नमस्कार, बोल क्लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। पिछले 10 दिन में लगातार 9वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। इस तरह से पेट्रोल के दाम कभी नहीं बढ़ाए गए। मगर जब तथाकथित योग गुरु रामदेव से यह सवाल पूछा गया कि आप तो ये कह रहे थे कि हम एक ऐसी सरकार ला रहे हैं 2014 में जो पेट्रोल के दामों पर कंट्रोल करेगी, जो काला धन लेकर आएगी, जो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को बढ़ाएगी, तो वो पत्रकार को धमकाने लगे कि तुझे देख लूंगा। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल क्लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। मैं आपकी स्क्रीन पर ये तीन चेहरे दिखाना चाहता हूं दोस्तों, रामदेव, सदगुरु और श्री श्री रविशंकर। एक योग गुरु हैं, एक आध्यात्म गुरु हैं, एक मेडिटेशन गुरु हैं। कहने को ये तीनों गैर राजनीतिक हैं, मगर इन तीनों की ताकत का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। और इन्होंने 2014 से पहले देश की जनता को कई वादे किए थे और आज रामदेव उस मुद्दे को लेकर लोगों को धमका रहे हैं, पत्रकार को धमका रहे हैं। सुनिए किस तरह से इन्होंने धमकाया। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दू? जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी बाबा जी आपने उनके बयान में दो तीन चीजें देखी होंगी। पहली बात, ये वही रामदेव हैं जो लोगों को यौगिक क्रिया के बारे में पाठ पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे अपने परिवार में रामदेव के प्रवचन, रामदेव की सीख का इतना असर और इतना फायदा हुआ मैं आपको बता नहीं सकता हूं। यानी कि दुनिया भर को आप पाठ पढ़ाते हो अनुलोम विलोम का, अपनी भावनाओं को काबू में लाने का, मगर आपने देखा किस तरह से धमकाने लगे थे। यानी कि एक सवाल भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ रामदेव जी। और बाद में फिर जब पत्रकारों ने पूछा, और शायद उस वक्त इन्हें एहसास हो गया था कि मैंने बदतमीजी की है, मैंने लक्ष्मण रेखाएं पार की हैं ये कह के कि मैं तुम्हें आगे देख लूंगा। अरे भाई रामदेव जी, क्या देखना चाहते हैं, क्यों धमका रहे हैं, और आपसे कौन डरेगा? तो जब फिर से पूछा गया सवाल कि भाई पेट्रोल के और डीजल के दाम बेकाबू हो रहे हैं, तब जैसे एक चेहरे पर एक भाव होता है ना कि इंसान जब पकड़ा जाता है और उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, इधर भागूं या उधर भागूं, उस तरह की उनकी भाव और उस तरह के उनके तेवर। सुनिए फिर से। सर, इस सरकार में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तो कहा था कि बीजेपी आएगी तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो के 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती। ये वही रामदेव थे जिन्होंने 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया था। मैं खुद से जुड़ी आपको दो घटनाएं बताना चाहता हूं। मैं उस वक्त एबीपी न्यूज में था और मंच पर मेरे साथ रामदेव थे और मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा, रामदेव ये सरकार वजूद में आई थी काला धन लाने के वादे के साथ, आज तक काला धन नहीं आया है, क्या आप 2019 में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे जैसा कि आपने कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया था? तो उन्होंने कहा, अभिसार अभी तो 2019 के चुनाव आए नहीं ना, जब आएंगे तो देख लेंगे। काला धन पर कुछ शब्द नहीं कहते हैं। जब पेट्रोल डीजल पर इनसे सवाल किया जाता है तो इनके तेवर देखिए साहब। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, 2012-13 की बात थी जब इन्होंने रामलीला मैदान में धरना किया था,
काले धन को लेकर रातों रात आप देखिए महिलाओं के कपड़े पहन के सलवार कमीज पहन के इन्हें भागना पड़ा था और ये अपने तमाम समर्थकों को पीछे छोड़ गए थे। कायदे से इन्हें वहां डटे रहना चाहिए था। इनकी एक समर्थक की मौत हो गई थी उस वक्त जो अफरा तफरी हुई थी। उस वक्त जो सरकार थी मैंने उसे कटघरे में खड़ा किया था कि आप रात में पुलिसिया एक्शन कैसे कर सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में लालू प्रसाद यादव थे, वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे दोस्तों। मैंने एक बार उनसे पूछा, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, जब लालू मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे तो आखिरकार मैंने उन्हें स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखला दिया। देखिए वो वीडियो 2012-13 का है, इससे आपको यह भी पता चलेगा कि उस वक्त जो कांग्रेस के ताकतवर मंत्री हुआ करते थे मैं डंके की चोट पे उनसे सवाल पूछता था। देखिए वो आता हूं, ये जो आप बातें कह रहे हैं आप पिछले कई सालों से अपने पॉलिटिकल जीवन में कई बार कह चुके हैं। मेरा आपसे सवाल है, कल पुलिस के दमन पर आपको नहीं लगता कि औरतों और बच्चों के होते हुए ये निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रुख था? देखिए बात सुन लीजिए, औरतें बच्चे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग थे और जो भी हुआ होगा या नहीं हुआ, कौन घायल हुआ नहीं हुआ, और आप चलिए लालू जी, लालू जी मेरे पास भी वक्त नहीं है आपके भाषण को सुनने का क्योंकि ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी हां, इन्हीं रामदेव के लिए मैंने सवाल किया था, हालांकि इनके लिए नहीं किया था। मुद्दा यह है कि इस देश में लोकतांत्रिक तौर पर प्रदर्शन करने का अधिकार है, मगर आपने देखा मैंने लालू प्रसाद यादव से सवाल किया और उस सवाल के चलते मेरी नौकरी खतरे में नहीं आई थी, या लालू प्रसाद यादव ने मेरे संपादक को फोन करके नहीं कहा था कि इसे प्राइम टाइम से हटाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक फोन कॉल नहीं किया था लालू प्रसाद यादव ने। और उसके बाद मैं उनसे मिलता भी रहा हूं, उनके इंटरव्यूज करते भी रहा हूं, उनके बेटों के इंटरव्यूज करते रहा हूं, उनसे बात करते रहा हूं, मगर कोई कड़वाहट नहीं है, जबकि मैंने उन्हें स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखला दिया था। रामदेव से मैं पूछना चाहता हूं, आपने देश की जनता को वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का? अब आप धमका रहे हैं। आपके स्क्रीन पर श्री श्री रविशंकर, इन्होंने भी वादा किया था कि जब मोदी सरकार सत्ता में आ जाएगी तो $1 की कीमत शायद 40 रुपए हो जाएगी, इस तरह के वादे इन्होंने भी किए थे। हालांकि श्री श्री रविशंकर के बारे में एक बात कही जा सकती है कि 2014-16 के बाद से वो बहुत ज्यादा राजनीतिक अंदाज में दिखाई नहीं दिए हैं, सरकार के पक्ष में कम से कम सीधे तौर पर इन्होंने बहुत ज्यादा बयानात नहीं दिए हैं। आपकी स्क्रीन पर सदगुरु, सदगुरु ये भी मोदी सरकार या ये कहा जाए मोदी जी की ताकत रहे हैं, क्योंकि ये भी प्रचार में मोदी सरकार का खुला समर्थन करते हैं। ये भी लोगों को ध्यान, मेडिटेशन, ये सब चीजें सिखाते हैं। और इनके यहां से ध्यान कौन कौन सीख के जाता है? विल स्मिथ, ऑस्कर हुआ था साहब, ऑस्कर में इन्होंने एक आदमी को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि उस आदमी ने इनकी बीवी के बारे में मजाक किया था, जो नहीं करना चाहिए था, मगर थप्पड़ मार देना, और वो भी एक औपचारिक मंच पर। और ऐसा नहीं है कि विल स्मिथ ने कभी लोगों के साथ मजाक नहीं किया है, मगर ये सदगुरु की मेडिटेशन टेक्निक सीखते हैं। दूसरी मोहतरमा कंगना रनौत, ये है इनकी शिष्या। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इनके नाम से एक वीडियो चैनल चलता है, पता नहीं आधिकारिक है या इनके फैंस हैं, और अगर ये इनके फैंस चला रहे हैं तो इससे पता चलता है कि इनकी शिक्षा का इनके फैंस पर क्या असर पड़ रहा है। ये इनके शिक्षक हैं जो कार्यक्रम किए थे, देखिए किस तरह के कार्यक्रम, हेट सदगुरु टाइट स्लैप टू लिब्रांडूज, लिब्रांडूज भाषा देखिए, हेट सदगुरु ठग लाइफ 1,000,000+ views, आगे देखिए, सदगुरुज टाइट स्लैप, दिस इज अ स्टूपिड एनालॉजी, टाइट स्लैप टू मीडिया ट्रोल्स। जब आपकी शिक्षा से लोगों पर यह असर होने लगे कि आपके जो फॉलोअर्स हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, या आप खुद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, या जब आपके पुराने वादों को लेकर आपको याद दिलाया जाए तब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें,
तो मेरी बात मानिए, आपकी जो तमाम शिक्षा है ना, वो एक ढकोसला है, वो एक मजाक है और कुछ नहीं। आप लोगों ने लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर एक आडंबर बनाया एक व्यक्ति के पक्ष में, एक छलावा पेश किया, और आज जब आपके वादों की याद जनता दिला रही है तो आप उनके साथ इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।